हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर पैटर्न्स लेकर आई हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को बताएं कि पैटर्न्स होता क्या है। अ डेफिनेट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ पैटर्न। जब हम किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैटर्न। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस बना हुआ है और फोर लेटर्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, देन फिर सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, टू डबल थ्री, टू डबल थ्री, टू डबल थ्री, टू डबल थ्री। तो इस तरीके से क्या है, ये एक पैटर्न बन चुका है। सीक्वेंस उसका बिल्कुल सेम ऑर्डर में आ रहा है। तो इस तरीके से हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी, कुछ क्वेश्चंस करा सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। एक्स वाई वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमें हिंट मिल गया है कि यहाँ पे फिर से एक्स शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग? y, y, then again x। उसके बाद सर्कल, ट्राइंगल, इस तरह से सिंबल बने हुए। फिर दोबारा से सर्कल आ गया तो हम क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। इसको देख के ऐसे बना देंगे और उसके बाद फिर से सर्कल। फिर उसके बाद ट्राइंगल की शेप्स हमें ध्यान से देखनी होंगी। इधर की तरफ से बनाया हुआ पहले, फिर इधर राइट से, तो हम क्या करेंगे? फिर ऐसी चेंज करा तो इसमें कुछ नहीं है, सीक्वेंस बस चेंज होगा। तो अब हमारा फिर से यही वाला सीक्वेंस आएगा, फिर ये वाला आएगा और फिर ये आ जाएगा। उसके बाद ये ट्राइंगल शेप में लाइंस डबल हो रही है, फिर ट्रिपल हो रही है। तो पहले सिंगल है, फिर क्या है? डबल है, फिर ट्रिपल है, देन अगेन सिंगल है। उसके बाद एम की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, पहले इस तरीके से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो हम क्या करेंगे? अब फिर से एम हो गया, तो अब इसको उल्टा कर दो, फिर इस तरह से कर देंगे और फिर उसके बाद फिर से। बच्चों को इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से नोट करिए। उसमें नंबर पैटर्न इन काउंटिंग बाय टूस, यहाँ पे टू का पैटर्न लेना है। तो टू टू का क्या करेंगे? गैप छोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू फोर सिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट, टेन, ट्वेल्व, फिर फोर्टीन। उसके बाद नंबर पैटर्न इन काउंटिंग बाय थ्रीज, थ्रीज की काउंटिंग करनी है। तो थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, देन एटीन, देन ट्वेंटी वन। नंबर पैटर्न इन काउंटिंग बाय फाइव्स, फाइव का टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी फाइव। नंबर पैटर्न इन काउंटिंग बाय टेंस, टेंस वाला बहुत इजी होता है, बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, देन सेवेंटी। तो इस तरीके से आप काउंटिंग बाय नंबर्स भी आप करा सकते हैं। उसके बाद आता है टिक द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है और उसके बाद हमें इसमें से टिक लगाना है सही आंसर पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, तो क्या आएगा? फिर सर्कल आएगा, सर्कल। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे एरो बने हुए हैं, तो जो इसकी डायरेक्शन है इसके हिसाब से हमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ये लेफ्ट में जा रहा है, फिर डाउन है, फिर राइट में जा रहा है, फिर अप है।
फिर लेफ्ट में आ गया, तो अब की बार क्या होना चाहिए? जहाँ पर ये हमारा स्टार्ट हुआ था बिल्कुल वही आएगा, तो यानी कि ये अब की बार डाउन में जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख रहे हो एक सर्कल है, वन सर्कल है, फिर टू सर्कल हुए, फिर थ्री सर्कल हुए, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि सर्कल क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और सर्कल उसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर 10, 15, जैसे मैंने अभी कराए थे, तो सेम इसी तरह से है। तो 10, 15 क्या आना चाहिए यहाँ पे, 20। राइट द मिसिंग नंबर 6 के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इससे पता लगेगा कि 6, 6 का गैप इसमें यूज किया गया है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, 12। तो इस तरीके से आप बच्चों को पैटर्न्स करा सकते हैं, बहुत इजी होता है और ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।